बार बार उजाड़े गए। जुता दे कर बारे उजाड़े गए, मिट्टी रोलिया जुता दे कर बारे उजाड़े गए। हजारा ही सुख दिल्ली अंदर जूदे सारे गए, हजारा ही सुख दिल्ली अंदर जूदे सारे गए। और मणि कदे कांड ना करियो नंद प्रवासी नू, हां जी नंद प्रवासी नू। भुलन जायो सिखो खूनी जून चरासी नू, भुलन जायो सिखो खूनी जून चरासी नू, भुलन जायो सिखो खूनी जून गगन दमामा बाजियो परियो निशाना कहो खेत जो मांडियो सूरमा। अब जूझन को दाओ सूरा सो पहचानी है, जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पीना जानिया कोई ऐसी मरनी जो मरे बहर ना मरना होए। वीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाईए पूर्ण परमानंद। इन्ना गल्ला नू इन्ना परमाणा नू इस बाणी दे फरमान नू जिन्ना ने प्रैक्टिकल करके विखाया इस नू हंडाया जीविया, अज उन्हां महान सूरबीर योधियां दी कुरबानी दा शहीदी दिहाड़ा है। सब तो पहलो राजान राज भान आन भान देवान देव उपमा महान सतगुरु, जुगो जुग अटल शब्द गुरु प्रतख गुरु पूरा गुरु समर्थ गुरु साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ के बैठी समूह सत्कार योग गुरु की संगत अते इंटरनेट ते टेलीविजन दे माध्यम राही घरां विच गुरु दरबार नाल सुरत जोड़ के बैठी समूह गुरु कियां संगतां मुख रसना पवित्र करदियां हजूर नूं सीस झुकांदियां आखियो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक विद्वान कहिंदा है मौत उसकी है जिस पे जमाना करे अफसोस, यूं तो सभी आते हैं दुनिया में मरने के लिए, बड़ी दुनिया पैदा हुई ते बड़ी ने मर जाना। पर एक अदीब बड़िया सुंदर चार लाइना लिख गए, वो कहिंदे कुर्बानियां चो जन्म लेंदी शाहजबानी कौम दी, सूरियां दी रत कर दी तरजमानी कौम दी, धूड़ इस दी चुक के मथे नू लाले ए कवल है शहीदां दी मड़ी विच जिंदगानी कौम दी। दुनिया ते नाम ना खटन वाले दुनिया ते आके चले जान वाले कहिंदे ने के 100 साल भी जिया तो क्या जिया, 2 साल का जिया होता कुछ करके जिया होता। जिंदगी लंबी नहीं लोड़दे मर्द, 100 150 200 साल की कामना नहीं करते मर्द। आखदे ने मर्दा की मौत मिले तो जिंदगी थोड़े दिन भी चंगी होया कर दी। कदे इतिहास ने यह नहीं वेख के लिखिया कि इसकी किन्ने साल उम्र हो गई है इस इतिहास थां दे दे ते उसनू सुनहरी अखरां दे विच उकर दिता जावे। जिन्हां ने बड़ी थोड़ी जिंदगी अंडाई इतिहास की बुकल विच उन्हां दा नाम ते दुनिया ते अमर है। बड़े विरले ऐसियां मावां होणगियां जिन्हां ने ऐसे सूरबीर बहादुर पैदा किते जिन्हां ने अपनी होंद नू बरकरार रखण वास्ते अपनी इज्जत आबरू अणख दे लई अपनी कौम दे लई देश लई हकां दे लई कुर्बान हुए। वो महान सूरबीर योधे सरदार सुखदेव सिंह जी सुखा, सरदार हरजिंदर सिंह जिंदा, जिन्हां नूं असीं अज भी वीरा जिंदा सुखा कह के ही याद करदे हां, उन्होंने कौम की डिगी हुई पग नूं दोबारा सिर ते रखी है। ते जिहड़ी रचना आप जी ने सरवण कीती है कर गया योधे कुरबानी जिहड़े चुम के फांसी नूं जिन्हां ने रसे फांसी दे चुमे ने उन्हां दे बारे एक विद्वान करता कहिंदा है कि याद रखना
ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਜੇਕਰ ਦਾਨ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਉੱਚੇ ਕਥੇ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਏ, ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੱਸੇ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਐ ਪਰ ਤਤ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਏ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਖਰ ਨਾਲ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਪੱਖ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਲਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ, ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਪੱਖ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਣਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਇਓ ਤਵੱਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਝੁਕਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ, ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਖਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਮਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਖੂਨੀ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਇਆ, 25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਉਸਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੌਮ ਨੇ ਫਿਰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਢਾਇਆ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪ ਢਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢੱਠੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਉਸਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅਸੀਂ ਢਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਕੀ ਆ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਢਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਜੇ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਆਓ ਤੱਕੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਉਹ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਢਾਉਣੇ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਧੜਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾ ਕੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਏ
यह सुन लेने मसे रंगड़ ने अकाल तख्त साहब की बेअदबी की उथे अपना झंडा चुलाया दरबार साहब की बेअदबी की उथे अंदर पलंघा डाया तो ओदा कतल कर दिता असी उन्हों का बदला लिया तो शौक दे नाल सुनदे हां असी सरदार सुखा सिंह बाड़ी कंबो की मेहताब सिंह का इतिहास जोड़ी का सुनते हैं फिर असी बाबा दीप सिंह का इतिहास सुनते हैं बड़े फखर दे नाल सुनते हैं अबदाली ने भी दरबार साहब नीहां दे विच कुप्पे भर के बरूद दे के नीहां तो उड़ा दिता सी ते उस दा मुकाबला कीता उन्हूं पुजाया दरबार साहब बनाया सी सारा इतिहास सुन लैने ते जदों इस समय की वारी आउंदी ते कईआं नूं तकलीफ हो जाती है पर याद रखो इतिहास कुरबानियां करके जिंदा होया करदा है आओ मैं हुण उन्हां वीरां दी वार्ता शुरू करां तुहाडे नाल कि सरदार गुलजार सिंह सरदारनी गुरनाम कौर दे घर ओ मर्द बच्चा पैदा होया पिंड गदली नाम रख्या गया हरजिंदर सिंह जिंदा उच्च विद्या की पढ़ाई कर रहा है जेड़िया वेलिया दे विच इहदा फरवरी महीने 1961 नूं जन्म होया है जिला अमृतसर है वीर ने कॉलेज तक की पढ़ाई की है कॉलेज दे विच इहदा लड़ाइया झगड़िया दे विच बहुता नाम आउंदा आउंदा ते इस नूं चंगेड़ा बदमाश करके भी जाणिया जांदा ते सारे थर थर कंबदे ते जिस बंदे दा लड़ाके लड़ना मरना ही थोड़ा जिहा सुभाउ बन जांदा ना वो अपना दबदबा कायम कर लैंदा ते निडर होके फिर उस समाज विच विसरदा है वो कॉलेज दे प्रिंसीपल साहब नूं हर रोज पहलो जाके सत श्रीकाल बुलाया करता सी ते उन्हां दी निगाह च बड़ा मुंडा चंगा सी पर शिकायतां पहुंचदियां सन मर्द दियां ते प्रिंसीपल नूं पता नहीं सी लगदा भी ओही जिंदा मैनूं सत श्रीकाल करदा जिहड़ा चंगियाड़ा बदमाश है एक वार कॉलेज दे विच लड़ाई होई ते दोवां दी शिकायत चले गई संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालियां दे कोल संतां ने दोवां ही धिरां नूं कोल बुला लिया दोवां दी पुनछाण कीती वीर हरजिंदर सिंह जिंदा उस वेले केस कतल कराए हुए सन इस करके डरदा होया संतां तों आ पिछली बाई जाके बैठ गया पर संत उहदे कोल चले गए सारी पुछ पड़ताल हुई ते उन्हां ने उन्हूं पता सी भी संत तीर मारिया करदे ने ते तीर इहदे भी जाके इक वक्खी च वज्जा एक वार कहिंदा भी एक वारी ते साह तां ठां हो गए भी एड्डी जोर दी संतां तीर मारिया लड़ाई करनी ज्यादा जाणदा तूं बहुत लड़ाइयां लड़ना जे लड़दा इन्ना ही चाहे ते इस लड़ाई नूं कोई मकसद दे लड़ जरूर तेनू लड़न तो नहीं रोक दे पर तेरे लड़ाई का कोई मकसद तो होना चाहिए यह बदमाशियां करना मर्दा का काम नहीं सिख सरदारा का पुत्र है संभल के चल बस इनी गल सी हरजिंदर सिंह जिंदे की सोच बदल गई दूसरे पासे मर्द का नाम है सरदार महंगा सिंह सुरजीत कौर के घर पुत्र पैदा होया नाम रख्या गया सुखदेव सिंह सुखा उस सुखा लद्दे का जिहड़ा अपना पिंड है पिंड का नाम है चक नंबर 11 करनपुरी तहसील है ते जिला गंगानगर राजस्थान दे विच इहदा जन्म होया ये दोवें मर्द वखो वखरे थां ते पैदा होए ने इतिहासकार ये भी लिखते ने कि हरजिंदर सिंह जिंदा दे चक नंबर 11 नानके पैंदे सन ते अक्सर ही आया जाया करदा सी हुण कहानी उत्थे मोड़ के लेके आवां ते इन्हां ने हथियार क्यों आए हथियार किवें चुके गए उधरों जून 1984 एडा वड्डा घल्लूघारा वापर गया घरां चों फड़ फड़ के मावां दे पुत मारे जाण लग पए इन्हां पंजाब दा घाण जवानी दा कीता जा रहा सी झूठे पुलिस मुकाबलियां दा दौर शुरू होया जिहड़ा इक वार घरों सवेरे गया वापस मुड़िया है कि नहीं मुड़िया इह केवल रब ही जाणदा सी ते जदों इह स्कूलों कॉलेज तों अपने घरां नूं वापस परतदे ते बड़ी ज्यादा इन्हां नूं जलालत दा सामना करना पैंदा अखीर दिल तड़फिया मर्दां ने अपना रस्ता चुन लिया उधर संतां ने सोच बदल के रख दिती ते इन्हां ने फिर हथियार उठा ले कि जेकर कौम दा बदला लै लईए ते इह सारी हड़ रुक सकदा है कौमी घर दी प्राप्ति वास्ते दोवां वीरां दी मिलनी होई है इधरों नाल इक लगदा इन्हां दे जिहड़ी इन्हां दे ग्रुप दे विच सिंघ ने इन्हां ने पहलों ललित माकन MP है दिल्ली दा उसने 84 दंगियां दे विच बड़ी अत चुकी सी ते पहलों इहदा जाके भोग पाया जदों इहदा भोग पाया ना इहदे नाल इहदी घर वाली इस करके मारी गई क्यों इन्हां ने इन्नी तैयारी कीती है इहदी तैयारी कीती इन्ना जोश जवानी दा कि जदों ललित माकल नूं गोलियां मारियां घर भी मार सकदे सन बाहर निकलदा है चलिया है अपने दफ्तर दे विच गलबात करन वास्ते गोलियां मारियां ते तत्ते घा ए गर्म गर्म शरीर च अंदर घर नूं भज्जा है ते ना वेख्या शायद ये मरिया नहीं ते ए जोधे उहदे अंदर जा वड़े ने उहदे अंदर जाके वड़े जदों उह डिग्गा
ते उस दी घर वाली इनू जफा मार के नाल ही उहदे उपर लम्मे पै गई। वीरां ने खिच के उस नूं पासे करन दा जतन कीता है, पर उसने इन्ना जफा तगड़ा मारिया कि वह फिर वीर मजबूर हो गए, उन्हें गोलियां चला दित्तियां। इस बाई एक्सीडेंट दे नाल उहदी घर वाली मारी गई। ते उहदी अवंतिका उहदी धी राणी है, वह भी अजे सोशल मीडिया से कदे कदे नज़र आ जाती है, जिहड़ी बाद विच वीरां दे नाल जिहड़े रिहा हो गए उन्हां दे नाल उहदी मुलाकात हुई है। फिर एक होर दोषी है अर्जन दास, उस नूं वीर हरजिंदर सिंह जिंदा, मथुरा सिंह ते हीरा सिंह इन्हां ने तिन्नां ने मिलके उस नूं दफ्तर च जाके सौदा लाया। उस दे नाल उहदा जिहड़ा बाडीगार्ड है उह इस करके मारिया गया क्योंकि उसने सामने गोलियां चलाईयां है, नहीं तो इन्हां दा टारगेट सी भई असीं लागलियां नूं किसे नूं कुछ नहीं कहना, सिर्फ अपने टारगेट नूं ही कवर करना है। वीरां ने इत्थों फिर एक है बलजिंदर सिंह संधु, बलजिंदर सिंह सुखविंदर सिंह, एक दा नाम के सी शर्मा, इन्हां ने नाम बड़े प्यारे अपने आप रखे ने। जदों इन्हां ने कारवाइयां नूं अंजाम दिता है ते इधरों नाल रल गया एक अवतार सिंह रंधावा, वह दुर्गरिंदा है। इन्हां ने सारिया ने हुण पंजाब विच एकत्रता कर ली कि असीं इहनूं सोधना है। जदों इन्हां नूं ललित माकण ते अर्जन दास नूं सोधा लग गया 1985 नवंबर महीने, ते अगले साल ही 17 जनवरी 1986 नूं सरदार हरजिंदर सिंह जिंदा पुलिस मुकाबले दे विच इक गोली लगी ते उत्थे डीएसपी आ वेद मरवाहा, जिसने अपनी स्वै जीवनी लिखी है कि हरजिंदर सिंह जिंदा कोई आम बंदा नहीं सी, मेरा वार वार झुक के उसनूं सलाम करन जी करदा है, उसकी वडियाई लिखदा है। ते उसने जो गिरफ्तार कर लिया भी पहला मैं तेनू गिरफ्तार किया, तू दौड़ गया है हूँ तेन स्ट्रेचर से पा के लिजा जा रहा है। तो हरजिंदर सिंह के चेहरे से मुस्कान हासा सी, उसने आख्या डीएसपी साहब आपको अब बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी, मुबारक हो। वह कहिंदा मैं हैरान सां कि यह बंदा इस तरीके दे नाल मौत दे मूँह विच भी आया अपने चेहरे तो हासा नहीं गवाउंदा। ते जदों उस नूं गिरफ्तार करके इलाज करा के जेल दे विच पाया गया, इधरों सरदार सुखविंदर सिंह जिहड़ा के सी शर्मा बन के लुधियाने दे विच रह रहा, इन्हां ने इत्थे एक मीटिंग कीती, एकत्रताई कीती, साझ चरसी कि उधरों सुखजिंदर हरजिंदर सिंह जिंदे नूं छुड़ा लईए। ते उधरों इन्हां ने तैयारी कर ली ते उधरों पता लगा जी मार्च महीने सारे इकट्ठे हुंदे ने लुधियाने दे विच, उधरों पता लगदा 4 अप्रैल 1986 जिंदा अखबारां दे विच खबर आई है बब्बर शेर पिंजरा तोड़ के निकल गया है। इन्हां ने यह फिर रद्द कर दिता। इधरों सारे जाने एक कार दे विच सवार होके बॉम्बे नूं निकले, बॉम्बे निकले कार दे विच, कार दा राह दे विच एक डीएसपी 100 पुलिस वाला राजस्थान नाके ते ठुक गया, उत्थे मुकाबला होया, डीएसपी मारिया गया, 3 सिपाही नाल मारे गए, उधरों 100 सिपाही, इधरों केवल 3 जाने सन। कतल करके जो कार भजाई है तो आप जानते फिर कतल करके भजना किन्ना सौखा होंदा है। कार का एक्सीडेंट हो गया, डूंगी खाई दे विच जा डिगी, ते केशी शर्मा जिहड़ा सुखविंदर सिंह है वह बड़ी बुरी तरीके नाल जख्मी हो गया। बलजिंदर सिंह, दलजीत सिंह संधु ते दलजीत सिंह बिट्टू, ये सारे जाने तिने जाने दौड़े नाल समान है। फिर उसनू पुछया, उन्हें सुखविंदर ने आख्या वीरो मैनू गोली मार दियो, कौम का काम तुसी करो, कितने मैनू इन जख्मी नूं धोई फिरोगे। कहिंदे वीरिया इदां नहीं, वह जिस तरह किस तरह इतने कहना सड़क के उपर आ गए, एक ट्रक रोकया, नेत नंकार दी ट्रक ड्राइवर सिख निकलिया, सरदार निकलिया, फिर संधु नूं बनाया मालक, मालक बना के उपरली सीट ते लम्मे पा दिता, ते दूसरा बिट्टू एक सवारी बन गया ते एक कैलेंडर बन गया। ते रस्ते च कई वार चैकिंग हुई, तंग आके फिर कितें उतर गए, फिर रेल ते यह बॉम्बे पहुंचे ने। इन्हां ने एक बॉम्बे विच मकान किराए ते लिया होया, एक दिल्ली दीआं कारवाइयां करन वास्ते उत्थे दिल्ली विच भी इन्हां ने एक किराए ते मकान लिया होया है। ते हुण जिंदा ते इधरों पंजाब वालिया जाण दी खबर कोई नहीं, पर सुखे दे नाल मिलके ये चारे जाने पुणे पहुंचे ने, उत्थे एक मकान खरीदया है ते उहदा पता कीता है भी जनरल वैद्या कित्थे रहिंदा है, उहदे घर दा पता कर लिया। अचानक सुखे दे सामने एक कार खड़ी नजर आई, उहदे विच अरुण कुमार वैद्या बैठा होया सी, पर उहदी किस्मत चंगी बब्बर शेर ने हथा सी, कोई हथियार नहीं सी, जिन्ना चिर उह तैयार होके पहुंचया यह फिर किधरे अलोप हो गया।
फिर इन्होंने कई चक्कर मारे, जो तो पता लगा भी अरनु कुमार वैद्या कि घर वाली ना घूमन चला गया, यह वापस फिर बंबे आए, बंबे तो फिर पंजाब आए, इतने वीर जिंदा इन्हों मिल गया। जो ये दोबारा मिले ने फिर ये 6 लाख रुपया नाल अपने हथियार लैके फिर ये पहुंचे ने दुर्ग ट्रेन से, दुर्ग पहुंचे ने, दुर्ग सरदार अवतार सिंह रंधावा ओदे घर ठहरे। ये अवतार सिंह रंधावा बाद च गिरफ्तार होया ते रिहा हो गया, नाल निर्मल सिंह निम्मा है जेड़ा गिरफ्तार होया ते रिहा हो गया, निम्मा अजे जिउंदा जागदा। ये वीर उतों ओदे नाल 3 दिन ठहर के फिर अगां पुणे की धरती बॉम्बे पहुंचे ने। बॉम्बे एक 2 पुलिस मुलाजम आए, पुलिस मुलाजम आए ते संधु बाहर निकलिया, सुखदेव सिंह सुखा अंदर है, दलजीत सिंह बिट्टू अंदर है। उन्हें आख्या किधर आयो, कहिंदे जी तुहानू थाने बुलाया। संधु ने इनकार कर दिता भी थाने नहीं जाना, एक खलोता रहा ते एक पुलिस लैन वास्ते थाने चला गया। ते संधु ने जिन्ना चिर उस बंदे दे नाल थोड़ी जी पुछगिछ की उन्ना चिर नू अंदरों बबर शेर हथियार बंद होके तैयारी कस के बाहर आ गया, तो उसनू अंदर आवाज मिली, आओ जी तुहानू चाह पानी पियाईए, ते नाल ही फिर उसनू सांभ लिया, साडे पिछे पुलिस किवें आ गई, साडे पिछे तू पहुंच किवें गया। ओदे ते सख्ती वरती, उसने आख्या CID इंस्पैक्टर सी तुहाडे पिछे बड़े चिर दा लगा सीगा, ते ओ तो सारी गलबात पुछ के ओदा मुंह मुश्कां बन के उनू बाथरूम च बंद करके ए बब्बर शेर उत्थों निकल गए। सरदार बंबे तो निकले ते पुणे निकल गए। हुण पुणे हरजिंदर सिंह सुखा, हरजिंदर सिंह जिंदा, वीर सुखदेव सिंह सुखा, इन्हां ने इंडो सुजुकी मोटरसाइकिल खरीदिया ते इहदे घर दे मूहरे घोड़े मारने शुरू किए। पता किया घर ही बदल गया, घर वेच गया, घर च रहिंदा ही नहीं। हुण फिर नवी बिपता खलो गई भी पहलों इहदा इह पता किया सी भई इह किथे रहिंदा है। हुण जदों पता भी इथों भी ओह घर अपना बदल गया है, हुण उहदे घर दी भाल कर लगे ने दोनों जाने बब्बर शेर, दोनों जिगरी जार चढ़ के मोटरसाइकिल उत्ते वैद्या दी इक ते गोलियां ठोकन वास्ते उहदी मौत बन के पुणे दे गली शहर बाजारां विच घूमदे ने। दस्सो भाई किद्दां Boop, 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 boop.
ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਵਿਆਏ ਤੇਰੀ ਹੱਕ ਨਾ ਚੜ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਲਿਆਏ ਤੇਰੀ ਹੱਕ ਨਾ ਚੜ ਕੇ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਵੈਦਿਆ ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਰਦਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਲੱਭਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਲੱਭਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਸ ਮਣੀਨਾ ਵੈਰੀ ਛੱਡਣਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ 17 ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਖੀਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚਾਰ ਸੁੰਦਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਢੁਕਦੀਆਂ ਕਿਆ ਐਡਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸਾ ਗੀਤ ਗਾਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸਾ ਗੀਤ ਗਾਤੀ ਹੈ ਮੌਤ ਵੀ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕਰ ਜਾਤੀ ਹੈ ਦਾਦ ਦੇਤੀ ਹੈ ਗਰਦਿਸ਼ੇ ਦੌਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਜਬ ਮੌਤ ਸੇ ਉਲਝਤਾ ਹੈ ਤੋ ਮੌਤ ਵੀ ਝੁਕਰ ਸਲਾਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮਰਦ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਲਾਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦਿਨ ਆਇਆ 17 ਅਗਸਤ 1986 ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਮੌਤ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲ ਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਅਰਨੂ ਕੁਮਾਰ ਵੈਦਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਇਹ ਚੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਉਧਰੋਂ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਯੋਧੇ ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਨ ਪਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਚੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਵੀਰਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜਿੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਇਹ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਠੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨ ਆਏ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ 9 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ ਵੇਖੇ ਗਏ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਉਹਦਾ ਗੇਟਮੈਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ 9 ਵਜੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ 11 ਵਜੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ
उस दी घर वाली नजर आई, उहदे हथ विच छतरी है, जरा को बाहर निकली है, उहदे मगरे वेख्या भी आ गया ते कार च बह गया। कार दा नंबर 1437 मरूती कार है, लाल रंग दी। ये उहदे विच बैठा, ये सच्चाई है, सारे कहिंदे ने ते मैनू भी उहो कुछ लभा है। कदे एडा वड्डा जिहड़ा ऑफिसर है ना, कदे आप सब्जी खरीदन नहीं जांदा, नौकर चाकर बॉडीगार्ड वाधू रखे है, ते इन्हां मौत तो बेपरवाह होया, हां मैनू कौन मार सकदा, एडी दूरी ते आण के ये सब्जी खरीदन वास्ते गया। सब्जी दा सारे इहो दसदे ने, मुआफ करना ढाडियां दा मिर्च मसाला नहीं लाया होया कि प्रसंग नूं सुआदला बनाउण वास्ते, ते जेकर इस नूं होर सुआदला बनाउण मैनूं घट तों घट 2 घंटे समा चाहीदा सी, फिर इहदा मैं वी सुआद बना के तुहानूं होर वी वखरा दे दिंदा, ते बाकी दीआं जानकारियां सांझियां करदा समें दी मजबूरी कारण करके, ते मैं आप जी दे नाल कुझ इहनूं थोड़ा जिहा घटा के पक्ष अपने रखने चाहुंदा हां। खैर कहिंदे ने वार वार इहने गोल गोल बताऊं वेखे वी भड़था बड़ा पसंद है। उधरों दूर खलोते सरदार सुखदेव सिंह सुखा, उहने कोई नहीं मित्रा इह करी बताऊं ते खरीद लै, भड़था तेरा अज मैं बना देना। इह दोवें बब्बर शेरां ने पहलों एक पार्क दे विच मोटरसाइकल आया, फिर इहनूं वाचिया, इहनूं चंगी तरह भी आ वार आरा नहीं जाना चाहीदा, जेकर वैरी सामने आ गया वैरी सामने बैठा है कार दे वेच सब्जी खरीद के, ज्यों ए नाल निकले आए ते इन्हां ने अपना मोटरसाइकल कढ के बाहर लालिया गड्डी दे पिछे, ते बब्बर शेर बहादुर अपने जिंदे नूं कहन लगा, जिंदिया मोटरसाइकल ते पूरा कंट्रोल रखी है, कर बारी दे बराबर दे, मैं इहदियां अखां विच अखां पा के इहनूं ठोकना चाहुंदा हां, क्योंकि मैं वेखना चाहुंदा जदों इहदी मौत सिर ते होवे ते इहदे हालात की बनदे ने, इहनूं मौत दा डर पै किहो जिहा आउंदा, इहनूं पता लगे इहदे सिर ते मौत चढ़ के आ चुकी है। ऐं होया सरदार हरजिंदर सिंह जिंदे वीरे ने बिल्कुल कार दी ताकी दे नाल मोटरसाइकल बराबर कर दिता है। कहिंदा पूने शहर च दिन दिहाड़े नची मौत मुटियार, और किसे काम ना आए इहदे रखे पहरेदार, आन ताकी दे कोले खड़ गए सिदकी बरखुरदार, मोटरसाइकल उत्ते बैठे होनी दे अवतार भी होनी बन के आ गई है। ललकारा मारिया अखां दे विच अखां पा लिया, उन्हें मोटरसाइकल संभलिया, उन्हें तनके बाहां अपना पिस्तौल निशाने ते ले लिया, उन्हूं आखिया वह मोटरसाइकल सिंघां दा जद नेड़े आया, वह कहिंदा कित्थे चलिया है कुत्तिया, तू बड़ा सताया, वह जेड़ी भाजी पाई असानू वह लै जाई बकाया, असीं लंदन दे विच पहुंच गए, वह तू कड़ी मां दा जाया, इन्नी आके मार के ललकारा छड के जकारा पा के मेरी दियां अखां विच अखां, 3 गोलियां ठा ठा करके Woo!
मोटरसाइकली उते दोवें निकले शिकार बच मंडी दे हाहाकार मैदा वरिया चुफेरे रौला पै गया हाहाकार मच उठी पर मर्द वो है
जेड़े करके पुगा देंदे ने, कहिंदे गिरे ही आसमान नीचे जमी उल्टी पलट जाए, कर्म अपनी जगह छोड़े जा वो खुर्शीद हट जाए, फलक पहफाज अंजम फिर के आपस में कट जाए, समुद्र अपनी अस्थी ले पूजा में सिमट जाए, मगर जे मुमकिन नहीं एक गुरसिख की जुबान बदले, जमीनो आसमान बदले, सारा कुछ बदल सकता है, टह सकता है, पर मर्द कदे जुबान तो नहीं फिरिया कर दे। तीन गोलियां ओदियां अखां विच, अखां पा के ओदी छाती विच ठोकियां ने, तुहानू मरिया वेख के घर वाली नाल ही बेहोश हो गई, उहनू कुछ भी नहीं आखिया। दोवें मर्द इस नू मार के मोटरसाइकिल उत्थे ही खड़ा करके निकल गए ने फरार। ते दूसरियां लिखतां इह कहिंदियां ने कि मोटरसाइकिल ते उत्थों फरार हो गए ने, फिर यह बंबे पहुंचे, बंबे पहुंचण तो बाद यह ट्रेन ते एक दुर्ग नू चला गया, एक कलकत्ते चला गया, फिर दोवें जाने वक्खो वक्खरे रस्ते कलकत्ते गए। इत्थों जिंदा वक्खरा हो गया निर्मल सिंह निम्मा ते वीर सुखदेव सिंह सुखा, ये दोवें उस ही मोटरसाइकिल उत्ते सितंबर महीने फिर पुणे हथियार लैण वास्ते गए। पर जदों इन्हां कोल समान भी सी ओही मोटरसाइकिल वरत्या होया, उस मोटरसाइकिल का भावें नंबर जिन्ना मर्जी अग्गे पिछा कीता, एजेंसियां इंटैलीजेंसी मगर लगी हुंदी है, वह भी तो पछाण रखती है, वह पछाण रखी गई, पर इन्हां दा मोटरसाइकिल ट्रक विच वजा, ट्रक च वजा तो जख्मी हो गए, दोवें गिरफ्तार हो गए। मोटरसाइकिल ते इन्होंने जब्त कर लिया। फिर मैं जल्दी नाल थोड़ा जा अगां जाना, मिनट 15 बाकी बचे ने। इन्हां दे उपर भारी तसद्दद कीता गया ते दिल्ली विचों मुड़के वीर जिंदा भी गिरफ्तार हो गया। इन्हां नूं पुणे दी जेल दे विच डंडा बेड़ियां ला के रख्या गया, डंडा बेड़ी जिहदे नाल बंदा सिद्धा नहीं हुंदा, बहुत औखा है उस तसद्दद नूं चलना। अखीर अज दा दिन आया। इन्हां नूं पहले एक मैं बेनती कर दिया, मैं सारा कुछ ना छड़ के जावां, कुछ कुछ बेनतियां सांझियां कर दिया। मर्दां ने अरुण कुमार वैदा मार दिता है, यह उस फौज का मुखी सी जिहड़ा अपनी कमांड हेठ 3 लाख फौज इसे दी कमांड थले आउंदी सी, जिसने दरबार साहब से अटैक कराया समेत जोड़े जुतियां यह दरबार साहब के अंदर दाखिल होया सी, इसनू मार मुकाया। इस करके इसनू मारन दा जिंदा ते सुखा गिरफ्तार हो गए ने। अवतार सिंह रंधावा गिरफ्तार होया, केस चो बरी हो गया, निम्मा भी इस केस चो बरी हो गया। तो जदों जज है ना जिहड़ा, उसने आख्या तुसी रहम दी अपील पा लो, तो मैनू तुहाडे ते तरस आउंदा है, तुसी सच्चे सुचे मनुख हो, इस करके मेरा दिल करदा रिहा कर दें। वो कहिंदे सी भीख मंगना नहीं जानते, रोजाना दबाव पाउण वास्ते आउंदे सी, ते उन्हां तों कहिंदे खुंभ ठप देंदे सी। आ जेल चिट्ठियां पढ़ के वेख लियो, किताब अपनी लाइब्रेरी च हिंदी विच है, पढ़ दो सारा कुछ, समा बड़ा सीमित जिहा रह गया। नेड़े हो राजावां वीरां ने वह मंग ठुकरा दिती, वीरां नूं बड़े धक्के नाल जोर नाल इन्हां ने कैदियां वाले कपड़े पाउण वास्ते दबाव पाया, वीरां ने तां वी नहीं मन्नी। ते बबर शेर एक दिन जेड़ा ना DIG जेल दा वो अंदर आया, सत श्री अकाल दी आवाज आई ते इन्हां ने जवाब दिता। उस दिन 8 वजे बंद हो गए, नहीं तो बबर शेर 11-12 बजे तक बाहर घूमते फिरते सन, बैरक चों बाहर कोठी च बंद नहीं सी हुंदे भी आओ किहड़ा करदा। जो माता पिता वीर भुपिंदर सिंह हरजिंदर सिंह जिंदे दा वीर वो भी मुलाकात करन गए, 1/2 घंटे वास्ते मुलाकात का समा मिलिया। पहलों उस जज ने आख्या कि तुहानू रिहाई करना बनता, कोई सबूत तुहाडे खिलाफ नहीं, यह दोष तुहाडा साबित नहीं हो सकिया। इन्होंने जोर लाया, उसने फैसला सुना दिता कि मैं तुहानू बरी कर रहा हाँ। वीर जिंद ने आख्या ठहर जा, सुना दिता पर लिखी ना, विचार कर लै दे उपर, असीं उहनू मारिया इकबालिया, असीं अपना जुर्म इकबाल करदे हां, हुण साडे इक हल्फिया बयान उपर एक केस चला दोबारा। ये तुहानूं इस करके शीशा विखाया कि तुहाडा भारत का कानून जिहड़ा गुनाहगारां नूं छड्ड दिंदा है, बेगुनाहां नूं फाहे टंगदा है, तुसां जोर नालिया रज के सानूं गुनाहगार साबित ही नहीं कर सके। तू अज रिहाई का फैसला सुना दिता पर लिखी ना, असीं रिहा होने वास्ते नहीं आए। उसने हथ पला जोड़िया, चलो इन इस हल्फिया बयान उपर केस दर्ज होया ते फिर केस चलिया। इस केस की सुनवाई भी वह कहिंदा मैं 20 साल केवल तुहानू कैद कर सकदा है, हथ जोड़े कहिंदा खालिस्तान का नारा ना लाओ।
यह जरूर चुप रहे। जे तुसी अपील भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, पर आ नारा तो ना लायो दे। वो कहिंदे नहीं, सारा कुछ होवेगा, असी फांसी मंग के लैनी चाहते। वीरां दी मंग ते ही उस जज ने फैसला लिख दिता, फांसी की सजा सुना दी गई, सारियां अपीलां दलीलां रद्द हो गई। वीरां नूं जदों फांसी की सजा सुनाई गई, इन्हां ने टोकरे भर भर लड्डू मठियाई लैंदी, सारियां दे नाल प्यार बहुता सी, कर्मचारी भी जेल वाले सारे मुहब्बत कर लग गए सन, सच्चे सुचे मर्दां दे नाल प्रेम पै गया। ते उस प्रेम नूं एक चीज छड़दी है, हुण मेरे कोल समा बाकी को 10-12 मिनट बचिया है, कोशिश कर रहा सां भी मैं चारे चीजां लवाउणियां सी, पर खेमा चाहुंदा हां उन्हां दी विस्तार भी करना जरूरी है, जेकर गल्लां उन्हां दी जीवन दी दस भी ना पाए तां भी कोई फायदा नहीं निकलदा। इस करके मैनूं मुआफी दे देनी। वीरां ने मठियाई वंडी, सारे नूं इस गल दा पता सी भी इन्हां दा दोस्त तां साबित हो नहीं रहा, अज रिहाई दा पक्का हुक्म हो गया होना। सारे ने मठियाई चाई चाई पुछी भी रिहा हो गए, कहिंदे नहीं फांसी की सजा हुई तो फिर किहदे मूंह नूं मठियाई लगनी सी। सारे अखां नम कर गए, इन्हां ने जफियां पा के जकारियां दे नाल सजा का स्वागत किया। वीरां ने अपनी अंतम इच्छा प्रगट की, पर नाल ही यह जरूर दसना चाहवांगा, दो बंदे तुसी चंगी तरह जानते हो, बड़े प्रसिद्ध ने, वाहगुरु की हजूरी च उन्हां दा नां नहीं लैना चाहिए, पर अपने मर्दां की उचाई किवें पता लगेगी जे उन्हां दा नाम ही ना लिया। एक दा नां सलमान खान है, दूजे दा नां संजय दत्त। सजा सुनाई गई, किवें रोंदे बाहर निकले से, सारे ने वेखे ना, पता के पैसे दे नाल अंदर ही रहना, कुछ बाहर निकल आना हुण, होना कख नहीं इन्हां नूं, फिर भी रोंदे नजर आए, तुसी चंगी तरह तो मैं भी वेखे है। तो मर्दां ने खुशी के जकारे लाए, मर्दां नूं मगर परिवार मिलन वास्ते गया। पुणे की जेरवड़ा जेल दे विच इन्हां दा फांसी का दिन मुकर्र किया गया, 8 अक्टूबर की रात शाम नूं 8:30 दे करीब सारा कुछ पता लग गया, वरंट मिल गए ने। ते जिहड़ा 4 अक्टूबर नूं डॉक्टर आया चैकअप करन वास्ते, कहिंदा काहदे वास्ते करदा, असीं साडा वजन वधेगा घटेगा नहीं, तो उस डॉक्टर नूं नहीं सी पता कि इन्हां नूं फांसी हो रही है। वो कहिंदा भी इन्हां दा दिन ज्यों ज्यों दिन बीत रहे ने, मौत दा समा नेड़े आ रहा, त्यों त्यों इन्हां दे चेहरे धग धग करदे लाली सहित नजर आउंदे ने। खैर वीरां ने 9 अक्टूबर की रात 12 बजे जिहड़ा दिन चढ़ना अमृत वेले, अपने हथीं च माया होया दही उहदे नाल सन केशी शनान कीते ने, निम्मा एक उहनां दी नाल ही बैरक दे विच बंद है, वह उन्नी क दूरी ते बंद है जिहड़ी दूरी ते तख्ता है, उस तख्ते की आवाज उसके कन्नी पहुँच सके। ये जकारे नारे लाउंदे ने, वह जवाब दिंदा है मगरों। वीरां ने पहलो नितनेम किया, इशनान करके नितनेम किया, नाल ही सोहले साहब का पाठ भी आप ही कर लिया। उधरों सारा परिवार उत्थे पुणे दे गुरद्वारा साहब विच पहुंचया होया सी, 28 जां 30 जणियां दा जिक्र आउंदा है। उत्थे वीरां नूं फांसी ते जदों तख्ते ते चढ़ाया गया, वेखो इन्हां ने मूँह मिठा कराउण दी कोशिश कीती जलाद दी, उन्हें नहीं कीता, पर उन्हूं हस के गले लगाया, फांसी दे रस्सियां नूं चुम्मिया। मैं तां लिख दिता कि उन्हां ने अपनी हथीं पाए, ते अपनी हथीं पाए हो गए ना, भी अपनी हथीं मंग मंगी आ, आप कीता सारा कुछ। वीरां ने गोल खट्टे दस्तारे कमर कसे खट्टे, ते गल विच कमर कसे भी खट्टे सन, गल विच हजूरीए चिट्टे चोले पा के, वीरां ने नंगे मूँह हस हस के फांसी दे रस्से नूं चुम के कौम लेखे जिंदड़ी ला गए। उन्हां वीरां दा 5:45 जिहड़ी पुलिस पई गई है, एक खास गल, एक BS मोहित ते डिप्टी कमिश्नर, 4 होर डिप्टी कमिश्नर, 14 इंस्पैक्टर, 145 सब इंस्पैक्टर, 1275 सिपाही तैनात, 3 होर रिजर्व पुलिस दीयां गड्डियां कंपनियां वह भी तैनात कीतियां। इन्नी वड्डी सिक्योरिटी दे विच उत्थे वीरां ने अपनी अंतम फतेह बुलाई, नारे लाए, निम्मे नवी जवाब दिता। अखीर 23 सकिंट लगे वीर जिंदे की जान निकल नूं, 28 सकिंट वीर सुखे की जान नूं लगे, ते ज्यादा लंबा समा लमका छड़े, इस करके गिठ गिठ धौणा लंबियां हो गईयां। दोवां वीरां दे शरीर चिट्टी चादर च लपेट के बार बार एक मूला मूथा दरिया उहदे किनारे, जदों कमाद विच गन्ने कट के ना थोड़ी जी थां बना के उत्थे उहनां दा आखिरी सिंघासन चिखा तैयार की गई। इधरों मावां भैणां पिता भाई पहुंचे ने,
ते एक दो भरावां नूं छड के किसे ने अफसोस नहीं किया, सिर्फ दो भरावां दीआं अखां च नवीं आई, बाकी किसे ने अफसोस प्रगट नहीं किया, क्योंकि उन्हां दी कुरबानी नूं लाज लगदी है। पर जो उन्हां दे शरीर आ रहे ने, चिखा तैयार हुई है, मैं उन्हां दोवां मातावां दे पासिओं ये चीज लिखी है, मेरी कौम दे हीरे वे तुसीं अज कर गए सुनिया रावां, पुत्रो छेती आ जायो तुहानूं खड़ियां उठीकण मावां। उतरो
छेती आ जायो तुसानू खड़िया उड़ी कर मावा सारे आख्यो सतनाम श्री वाहिगुरु। जदों ये मैं अमृत वेले 3 बजे ये कविता लिखी ते अखां चो हंजू किर रहे सन, तां ही मैं ये लाइन पा दित्ती, अखों हंजू किरदे ने पारस मणी जे कलम उठावां पुत्र छेती आ जायो तो सानू खड़ियां उड़ीकन मावां। पुत्र आ गए चिट्टियां चादरां च लपेटे, जिहड़ा मावां ने गुरुद्वारे दही जमाया होया सी उहदे नाल फिर इशनान कीता, रस्मां निभाईआं गईआं, उत्थी संस्कार किया गया। मूला मूथा दरिया के किनारे गन्नियां दे खेत विच उन्होंने अस्थियां पिंड लजाने वास्ते मंगियां, उन्होंने दित्तियां नहीं, फिर वीरां दियां उत्थे ही मूला मूथा दरिया दे विच अस्थियां भेट कीतियां। समा टीवी का समाप्त हो गया है क्योंकि टीवी वाली संगत बहुत ज़्यादा वह मुड़ के नाराज़ होंदी है कि साड़ी गल अधूरी रह गई। मैं आप संगतां तो खेमा चाहुंदा है कि वेखो इतिहास है पूरियां दा, लिखण वाले अधूरे चार मिट्टी दे माधो की पूरे दी गल पूरी कर सकदे नहीं होनी साथों, क्योंकि असी अधूरे हां, इतिहास पूरियां दा गाउणा पैंदा है। पर धन जिगरे मावां दे जिन्हां ने हस हस अपने पुत्तर तोरे ने, कदे वेखियो उन्हां दीआं मावां वल्ले। सानू अज इतिहास पढ़ना सुनना गाउणा बहुत होर तरां लगदा है सानू। आ जिहड़े फिल्मी मुंडे उह साडे रोल मॉडल बन गए। संगत जी, जे असी उन्हां वीरां दी कुरबानी नूं, उन्हां मावां दी कुरबानी, उन्हां भैणां दी कुरबानी, उन्हां दे चार धूरे समाने नहीं सोचा होगा कि मेरा पुत जवान हो गया, मैं नूं लिया मम्मे दे सिर तों पानी वार के पीवां, उस भैण ने नहीं वेख्या होगा कि मैं दी वाग गुदांगी, उन्हां दे किसे ने वाग नहीं गुंदी, किसे ने सेरे नहीं खाए। उन्हां दोवां वीरां ने यह गल कही सी लिख के, मैं उन्हां दी आप पढ़ी है, साडे मगरों किसे ने हंजू नहीं मोहणे, पर की करिए हंजू वहिंदे ने। सदके उन्हां मर्दां दे जिन्हां ने आप जान कुरबान करके सानू यह शाम बख्शी है, सानू यह दस्तार बख्शी है। असीं उन्हां दे रोम रोम रिणी हाँ, असीं उन्हां दे करदाई हाँ, शायद अज जुंदा सुखा वेखदे हुण उन्हां नखां कमले, ओ साडी कुरबानी नूं लाग ला दित्ती जे, दाग ला दित्ता जे, सानू उह मेरा ख्याल किते ना किते नाराज होणगे साडे नाल जिंदा सुखा, तुसी साडी कुरबानी दा कोई मुल नहीं पाया। असी मात नू नेता मखौल करिए, साडे सामने आउण तो चकदी परबत चीर के मंजिल ते पहुंच जाइए। ताकत सानू कोई रोक ना सकदी, ताकत सानू कोई रोक ना सकदी, पहलो बेनती कीती है
मौत उसकी है जिसपे जमाना करे अफसोस। यूं तो सभी आते हैं दुनिया में मरने के लिए, मर असी सारिया ने जाना, जिंदा इत्थे कोई नहीं रहना, ना चंगे ने जिंदे रहना ना माड़े ने जिंदे रहना, बस ओदी जिंदगी दा मगर वह छड़ के की गया है यह संसार ने वेखना है। उन्हां महान योधे जिन्हां नूं असी प्यार दे नाल उन्हां दे छोटे नाम तों ही ज्यादा जाणदे हां, वीर सुखा ते वीर जिंदा, उन्हां दी कुरबानी नूं लख लख सजदा करदा होया बेअंत होईयां भुलां दीआं खिमा मंगदा हां। करियो कृपा भुलां नूं नजरअंदाज कर दिओ, ते जेकर वीरां दी कुरबानी दा जज्बा तुहाडे अंदर है ते फतेह चढ़दी कला विच आखियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।